Hello everybody, welcome to Civil Step. So in our lecture series of previous year questions, we are discussing the subject of modern Indian history. Or currently we are discussing the topic, the nationalist movement, in which we discuss events from 1858 to 1919. So, hum uske three parts already cover kar chuke hain. Today we will start the fourth part of the nationalist movement, and that is the Rowlatt Act. So Rowlatt Act is very important topic from the point of view of your exam, because bahut hi sare questions puche gaye hain is topic se past year papers mein, and wo sare aaj hum discuss karenge is video mein. अगर उन क्वेश्चंस को आप क्विज फॉर्मेट में करना चाहते हैं तो गो टू www.civilstep.com. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 1999 एंड द क्वेश्चन इज द फर्स्ट वेंचर ऑफ गांधी इन ऑल इंडिया पॉलिटिक्स वॉज द. आर ऑप्शंस आर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, राउलेट सत्याग्रह, चंपारण मूवमेंट और दांडी मार्च. तो वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट चंपारण मूवमेंट, और उसमें हमें पढ़ा था कि साउथ अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने सबसे पहले चंपारण जाके सत्याग्रह स्टार्ट किया था. तो गांधी जी का फर्स्ट वेंचर वॉज चंपारण मूवमेंट. बट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ऑल इंडिया पॉलिटिक्स लेवल पे, तो इस पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि फर्स्ट वेंचर तो चंपारण मूवमेंट था बट नॉट ऑन ऑल इंडिया पॉलिटिक्स. चंपारण मूवमेंट वॉज जस्ट कन्फाइंड टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार. सो चंपारण कैन नॉट बी द आंसर हेयर. नाउ वी आर रिमेन विद थ्री ऑप्शंस, ए, बी और डी. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द आंसर. आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज राउलेट सत्याग्रह वॉज द फर्स्ट वेंचर ऑफ गांधी इन ऑल इंडिया पॉलिटिक्स. नाउ वी विल रीड मोर अबाउट राउलेट सत्याग्रह. तो जो भी रेवोल्यूशनरी क्राइम प्रिवेल कर रहा था 1919 के टाइम पर, जो कि स्वदेशी मूवमेंट से स्टार्ट हुआ था, उसको सप्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने एक कमिटी अपॉइंट की अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस सिडनी राउलेट. ये आपको ध्यान में रखना है. एंड दिस कमिटी वॉज नोन एज सेडिशन कमिटी. और इस कमिटी ने एक एक्ट बनाया विच वॉज नोन एज राउलेट एक्ट. और इस राउलेट एक्ट के अंडर प्रपोज किया गया कि जो भी ऑफेंसेज रेवोल्यूशनरीज करेंगे दैट शुड बी ट्राइड इन स्पेशल कोर्ट, और उस स्पेशल कोर्ट में अपील का भी कोई प्रोविजन नहीं होगा अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ कोर्ट. यानी कोर्ट जो भी डिसीजन देगी अगेंस्ट द रेवोल्यूशनरीज, रेवोल्यूशनरीज उस डिसीजन के अगेंस्ट कोई भी अपील नहीं कर सकते हैं. इस कमिटी के इस एक्ट के अंडर ये भी रेकमेंड किया गया कि किसी भी प्लेस को सर्च किया जा सकता है और किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट अ वारंट, और किसी भी पर्सन को 2 साल के लिए डिटेन किया जा सकता है बिना ट्रायल के. तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा रिप्रेसिव लॉ था, जिसमें ट्रायल को भी हटा दिया गया था और एक पर्सन अरेस्ट किया जा सकता था बिना किसी वारंट के. तो इस राउलेट एक्ट को अपोज करने के लिए, इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए गांधी जी फॉर्म्ड अ सत्याग्रह सभा ऑन 24 फरवरी 1919 एट बॉम्बे टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द राउलेट एक्ट. और इस प्रोटेस्ट में, इस सत्याग्रह में और भी लीडर्स ने गांधी जी का सपोर्ट किया, विच वर मोहम्मद अली जिन्ना, अब्दुल बारी एंड और भी जो होम रूल लीडर्स थे. तो ये आपको ध्यान देना है कि होम रूल लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया था इस सत्याग्रह में. तो राउलेट सत्याग्रह जो था उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट को सप्रेस करने के लिए ब्रिटिशर्स ने बहुत ही ब्रूटल मेथड का यूज किया. तो जो भी प्रोटेस्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे पीसफुली एट जलियांवाला बाग, तो ब्रिटिशर्स ओपन्ड फायर ऑन देम ऑन 13 अप्रैल 1919. ये डेट आपको याद रखनी है क्योंकि इम्पॉर्टेंट है. इस दिन जलियांवाला बाग मैसेकर हैपेंड एंड दिस सेंट शॉक वेव्स थ्रू आउट द नेशन. सारे लीडर्स ने इस एक्ट का ऑपोजिशन किया था, दे प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस एक्ट. तो जितने भी नेशनल लीडर्स थे उन सब ने भी जलियांवाला बाग मैसेकर को कंडेम किया, और इसी को प्रोटेस्ट करने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर रिनाउंस्ड हिज नाइटहुड. तो ये आपको ध्यान में रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि विच लीडर रिनाउंस्ड हिज नाइटहुड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट जलियांवाला बाग. तो इट वॉज रविंद्रनाथ टैगोर. और यहाँ पर हमारे पास न्यूज़पेपर की एक कटिंग है, इसमें दिखाया गया है कि जो राउलेट एक्ट आया था उसके अगेंस्ट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ये वाला एड न्यूज़पेपर में निकाला गया था. एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ जस्टिस सिडनी राउलेट, जिनके नाम पर राउलेट एक्ट का नाम रखा गया, एंड ही वॉज ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ दैट कमिटी. नाउ लेट्स मूव टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन केम इन द प्रिलिम्स ऑफ 1996 एंड द क्वेश्चन इज द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 वॉज पॉपुलरली नोन एज द.
हमारे पास ऑप्शंस हैं राउलेट एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, इंडियन आर्म्स एक्ट एंड एल्बर्ट बिल. तो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि जो अनार्किकल और रेवोल्यूशनरीज के क्राइम से रिलेटेड जो भी एक्ट था दैट वॉज द राउलेट एक्ट. सो ए इज द आंसर हियर. नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन केम इन द प्रिलिम्स ऑफ 2007 एंड द क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग अराउज्ड अ वेव ऑफ पॉपुलर इंडिग्नेशन दैट लेड टू द मैसेकर बाय द ब्रिटिश एट जलियांवाला बाग. Our options are the Arms Act, the Public Safety Act, the Rowlatt Act and the Vernacular Press Act. तो हमने अभी पढ़ा था कि जो जलियांवाला बाग था that incident happened after the Rowlatt Act. तो जो Rowlatt Act को protest करने के लिए जितने भी लोग जलियांवाला बाग में collect हुए थे उन सब पर Britishers opened fire. So that's why जलियांवाला बाग is related to Rowlatt Act. So Rowlatt Act is the answer here. C is the answer. Now let's move to our next question. This question came in the prelims of 2008 and the question is who was the Viceroy of India when the Rowlatt Act was passed. So hamare paas options hain Lord Irwin, Lord Reading, Lord Chelmsford and Lord Wavell. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के आपके पास दो अप्रोचेज हैं. पहला अप्रोच ये है कि मैंने आपको बताया था कि गवर्नर जनरल्स के टाइम पे क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, तो अगर आपने वो कवर कर लिए हैं तो ये वाला क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. और दूसरा अप्रोच ये है कि राउलेट एक्ट केम इन 1919 और हमने चार्टर्स एंड एक्ट्स में पढ़ा था कि जो एक्ट ऑफ 1919 था जिसे मॉन्टेग्यू चेल्म्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि मॉन्टेग्यू वॉज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया एंड चेल्म्सफोर्ड वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट दैट टाइम. यानी एक्ट ऑफ 1919 के टाइम पे चेल्म्सफोर्ड वॉज द वाइसरॉय एंड राउलेट एक्ट भी 1919 में ही पास हुआ था. तो इस तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं कि राउलेट एक्ट के टाइम पे लॉर्ड चेल्म्सफोर्ड वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया. दैट्स वाई सी इज द आंसर हेयर. तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उस टाइम पे जिस टाइम को आप क्वेश्चन को रीड करते हैं उस टाइम पर आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन को अप्लाई करना सीखिए. ये टेक्निक सीखिए जब भी या तो टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करते हैं उस टाइम पर या फिर इन लेक्चर सीरीज के थ्रू भी. तो इससे आपको एग्जाम में बहुत ही ज्यादा ईजी हो जाएगा अगर आप इसको सीख जाएंगे कि कैसे इंफॉर्मेशन को आपको यूज करना है ऑप्शंस एलिमिनेट करने में. तो एग्जाम में आप इजीली अपना आंसर डिड्यूस कर सकते हैं क्योंकि जो यूपीएससी है वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग ऑप्शंस देती है. तो आपको सारा कंसेप्ट है और सारे जो फैक्ट्स हैं वो आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए सही आंसर बताने के लिए. नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड इन विच वी विल रीड मोर अबाउट द लॉर्ड चेल्म्सफोर्ड. सो हेयर वी हैव द पिक्चर ऑफ लॉर्ड चेल्म्सफोर्ड और वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैपन ड्यूरिंग हिज टाइम. फॉर एग्जाम्पल होम रूल लीग जो है जो एनी बेसेंट और तिलक ने फॉर्मेशन किया था जिनका वो लॉर्ड चेल्म्सफोर्ड के टाइम पर हुई थी. लखनऊ सेशन कांग्रेस का लखनऊ पैक्ट जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग का पैक्ट हुआ था दैट ऑल्सो हैपन्ड ड्यूरिंग लॉर्ड चेल्म्सफोर्ड टेन्योर. चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक का लॉन्च हुआ था. मॉन्टेग्यू ऑगस्ट डेक्लेरेशन भी इसी के टाइम पर हुई थी. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को लाया गया था. राउलेट एक्ट पास हुआ था. जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था और नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट का लॉन्च भी लॉर्ड चेल्म्सफोर्ड के टाइम पर हुआ था. यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है क्योंकि इनमें से किसी भी इवेंट को देकर यूपीएससी पूछ सकती है कि इस टाइम पर हु वॉज द वाइस रॉय ऑफ इंडिया. तो वो आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन ऑप्शन एलिमिनेट करने में भी बहुत हेल्प करते हैं इस टाइप की इन्फॉर्मेशन. ओके नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. This question came in the prelims of 2012 and the question is the Rowlatt Act aimed at. Options are compulsory economic support to war efforts, second imprisonment without trial and summary procedures for trial, third suppression of the Khilafat movement and fourth imposition of restrictions on freedom of press. तो Rowlatt Act के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि इस एक्ट के अंडर जो है ट्रायल के बिना imprisonment का प्रोविजन आया है कि मैक्सिमम दो साल तक imprisonment कर सकते हैं बिना ट्रायल के. तो इस वजह से B is the answer here. Now let's move to our next question. This question came in the prelims of 2015. And the question is with reference to Rowlatt Satyagraha, which of the following statements are correct? First is the Rowlatt Act was based on the recommendations of the Sedition Committee. Second, in Rowlatt Satyagraha, Gandhiji tried to utilize the Home Rule League. Third, demonstrations against the arrival of Simon Commission coincided with Rowlatt Satyagraha.
वैसे तो हम साइमन कमीशन के बारे में बाद की वीडियोस में पढ़ेंगे, लेकिन साइमन कमीशन केम इन 1927 और राउलेट सत्याग्रह हैपेंड इन 1919, सो थ्री कैन नॉट बी द राइट आंसर. इस वाले स्टेटमेंट को आप पहचान सकते थे कि ये रॉन्ग है जब आपने पूरी हिस्ट्री कवर कर ली हो. तो वो हम सारे इन लेक्चर सीरीज के थ्रू कवर करेंगे. तो अगर बाद में क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो ये वाला क्वेश्चन आप, ये वाला स्टेटमेंट आप इजीली पहचान सकते हैं कि दिस कैन नॉट बी द राइट स्टेटमेंट फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ कमिंग टू सेकेंड स्टेटमेंट, तो हमने पढ़ा कि जो जितने भी होम रूल लीडर्स थे, होम रूल लीग के जो लीडर्स थे, उन सब ने गांधी जी का सपोर्ट किया था राउलेट सत्याग्रह के प्रोटेस्ट में. सो दिस इज द राइट स्टेटमेंट हेयर. और हमने राउलेट एक्ट के बारे में भी पढ़ा है कि जो राउलेट एक्ट था वो सेडिशन कमिटी ने सजेस्ट किया था, रेकमेंड किया था. सो फर्स्ट इज ऑल्सो द करेक्ट स्टेटमेंट हेयर. सो आर आंसर इज 1 and 2 इज करेक्ट, दैट इज बी. सो आंसर इज बी. Now let's move to our next question. This question came in the prelims of 2009 and the question is, during the Indian freedom struggle, why did Rowlatt Act arouse popular indignation? So, this question mein humse pucha gaya hai ki why did Rowlatt Act arouse so much anger among the people? Options are, it curtailed the freedom of religion. Second, it suppressed the Indian traditional education. Third, it authorized the government to imprison people without trial. And fourth, it curbed the trade union activities. तो हमने ऑलरेडी राउलेट एक्ट के बारे में पढ़ा है और उसमें हमने पढ़ा था कि एक प्रोविजन आया था कि पीपल कैन बी इम्प्रिजेंट विदाउट ट्रायल अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 years. सो सी इज द आंसर हेयर. नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. This question came in the prelims of 2004 and the question is, the name of the famous person of India who returned the knighthood conferred on him by the British government as a token of protest against the atrocities in Punjab in 1919 was. तो जब हमने Rowlatt Act के बारे में पढ़ा था तभी हमने पढ़ा था कि Rabindranath Tagore was the one who returned the knighthood against the Rowlatt Act and against the Jallianwala Bagh massacre. So that's why C is the answer here. Now let's move to our next question. This question came in the prelims of 1998 and the question is, which one of the following events was characterized by Montague as preventive murder? Our options are, killing of INA activist, second, massacre at Jallianwala Bagh, third, shooting of Mahatma Gandhi and fourth, shooting of cousin White. तो इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. या तो आपको डायरेक्टली पता हो कि मॉन्टेग्यू ने प्रिवेंटिव मर्डर का स्टेटमेंट किस इवेंट के रिलेशन में बोला था, या फिर आप ये भी पता लगा सकते हैं कि मॉन्टेग्यू जो था वो कब पावर में था, यानी व्हेन ही हैड द ऑफिस. क्योंकि जब कोई पर्सन ऑफिस में होता है तभी ही कैन मेक सच स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स अबाउट अ इवेंट. सो मॉन्टेग्यू वॉज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ 1919. ये हमने चार्टर्स एंड एक्स वाली वीडियो में पढ़ा था. तो 1919 के टाइम पर मॉन्टेग्यू वॉज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और 1919 में इनमें से कौन सा इवेंट्स हुआ था, दैट वॉज जलियांवाला बाग. सो आंसर इज बी हेयर. मैसेकर एट जलियांवाला बाग को ही मॉन्टेग्यू ने एज अ प्रिवेंटिव मर्डर बोला था. सो बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. This question came in the prelims of 2001 and the question is, the Hunter Commission was appointed after the Black Hole Incident, Jallianwala Bagh Massacre, Uprising of 1857 or Partition of Bengal. तो Partition of Bengal और 1857 के बारे में हम already पढ़ चुके हैं. तो उसमें हमने Hunter Commission का कोई भी mention नहीं देखा था कि कोई Hunter Commission establish की गई थी after these events. तो C and D cannot be the answer. Now we are remained with 2 options, either Black Hole Incident or Jallianwala Bagh Massacre. Now let's see what is the answer. Answer is option B, that is Jallianwala Bagh Massacre jo tha uske baad ek Hunter Commission appoint ki gayi thi. Now let's know more about this Hunter Commission. So 14 October 1919 ko Edwin Montague, jo ki us time par Secretary of State the, उन्होंने एक कमेटी की फॉर्मेशन का अनाउंसमेंट किया जो कि पंजाब में हुए इवेंट्स के बारे में इंक्वायरी करेगी. तो वो इवेंट्स क्या हुए थे पंजाब में, दैट वाज जलियांवाला बाग मैसेकर. और इसके चेयरमैन थे विलियम हंटर, तो ये आपको ध्यान रखना है.
और इस कमीशन का पर्पस था कि इन्वेस्टिगेट द रीसेंट डिस्टर्बेंसेस इन बॉम्बे, दिल्ली एंड पंजाब. तो उस टाइम पर जो रेवोल्यूशनरीज थे वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो गए थे, तो इसकी वजह से बहुत सारे डिस्टर्बेंस हुए थे बॉम्बे में, दिल्ली में और पंजाब में भी. तो उन उन डिस्टर्बेंसेस के कॉजेज़ क्या थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन डिस्टर्बेंसेस से कोप करने के लिए क्या क्या मेजर्स लिए, तो इन सारी चीज़ों के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए इस कमीशन को बनाया गया. और एक हंटर कमीशन एजुकेशन से भी रिलेटेड है, तो उससे आपको इस वाली कमीशन को कंफ्यूज नहीं करना है. हंटर कमीशन एक जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद आई थी, और एक हंटर कमीशन जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड भी है, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे. और यहाँ पर हमारे पास जलियांवाला बाग मैसेकर का सीन है. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ब्रिटिश आर्मी है विच इज़ फायरिंग अपॉन द प्रोटेस्टर्स. सो गाइज, दिस वॉज इट फॉर टूडेज वीडियो. इस वीडियो में हमने राउलेट एक्ट के बारे में सारे क्वेश्चंस देखे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक, क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक यूपीएससी में. और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे की इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. टिल देन, गुड लक फॉर योर स्टडीज़. बाय बाय.